हेलो दोस्तों, फिर से आपके स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं शुभ दोस्तों, और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं एक यहां पे न्यूट्रॉन प्लस की तरफ से एक स्पीकर। अभी तक आपने काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं, 15 इंची मैंने दिखा दिया, 12 इंची दिखा दिया, लेकिन आज मैं लेके आया हूं यहां पे स्पेशल वीडियो, यानी स्पेशल स्पीकर के ऊपर स्पेशल वीडियो। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने लगी, और ये 18 इंची का बेस का स्पीकर है, जो कि काफ़ी और एक कम प्राइस में आने वाला स्पीकर है। प्राइस भी बताऊंगा, कहाँ से मिलेगा वो भी बताऊंगा, कितने का मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो आज ये वीडियो काफी अच्छी होने ली, और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप ये स्पीकर के बॉक्स को देख सकते हैं, और यहाँ पे ये आता है PD1850, यानी NP PD1850 न्यूट्रॉन प्लस की तरफ से। तो यहाँ पे ओवरऑल ये बॉक्स की पैकिंग आपको देखने को मिल जाती है, इस साइड न्यूट्रॉन प्लस की ब्रांडिंग, इस साइड ये हल्का सा आपको मॉडल नंबर मेंशन कर रखा है। और सीधे सीधे चलते हैं यहाँ पे, हम फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और ये यहाँ से मैं अनबॉक्स कर देता हूँ इसको। और मतलब स्पीकर काफ़ी अच्छा है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्पीकर अब काफ़ी दिनों से मेरे पास पड़ा हुआ है, और भी काफ़ी सारे ऐसे स्पीकर हैं जो कि अभी टेस्टेड हो रहे हैं, और साथ के साथ एम्पलीफायर भी हैं वो टेस्टेड हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये स्पीकर को देख सकते हैं, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, उसमें सारी के सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ, किसकी जो पेपर कोन की क्वालिटी है वो कैसे हमें देखने को मिलती है, स्पाइडर की, मैग्नेट की, यहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो कैसे बनाया गया है, और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस वो सारी की सारी, और लास्ट में प्राइस और सारी की सारी टेस्टिंग भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए आगे वीडियो एंजॉय करिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है, ये है पेपर कोन की क्वालिटी। तो यहाँ पे आप पेपर कोन की क्वालिटी को देख सकते हैं, एक यानी जो ग्लास फाइबर पेपर कोन जो होता है, एक जो स्मूथनेस ही है वो हमको देखने को मिल जाती है, हल्के से ऊपर से परत पे जैसे हल्का हल्का सा जैसे स्मूथ सा होता है वो हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डस्ट कैप को प्रॉपर चारकोल गम से यहाँ पे सील कर रखा है, तो जैसे कि आपको देखने को मिल रहा हो ये एक्स्ट्रा ग्लू मेरे को कहीं नहीं दिखा, तो ये काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है स्पाइडर की क्वालिटी, और यहाँ पे स्पाइडर काफ़ी अच्छा रखा गया है, यहाँ पे ड्यूल स्पाइडर का इसके अंदर यूज़ कर गया है, एक ये नीचे रिंग रख के इसके ऊपर एक और स्पाइडर रखा गया। स्पाइडर की क्वालिटी मुझे ओके क्वालिटी लग रही है, यानी अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ये चारकोल गम से यहाँ पे सील देखने को मिल रहा है, तो ये साइड वेंटिलेशन सिस्टम में है। किसी किसी पीडी सीरीज में मैं जब भी देखता हूँ, लगभग मेरे पीडी सीरीज जितने भी देखे हैं, तो ये साइड वेंटिलेशन एक डेमो होते हैं, यानी एक फेक होते हैं, वो एग्जैक्टली होता क्या है कि वो अंदर फ्रेम से बंद कर देते हैं, यहाँ से तो दिखता है कि हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि ये वेंटिलेशन बन रखा है, एयर पास हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन मुझे इसमें दिखता है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी इसके अंदर ब्लेड डालता हूँ और ये सीधा वॉइस कॉल पर जाएगी, या ये देखिए ये सीधा हमारे वॉइस कॉल पे पहुंच गई। तो चलते हैं आगे दोस्तों, मैं आपको कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है यहाँ पे पीछे की डिटेल्स, आउटपुट पावर आपको 1500 वाट RMS देखने को मिलती है, न्यूट्रॉन प्लस की ब्रांडिंग, NP PD 1850 यहाँ पे लिख रखा है, इम्पीडेंस 8 ohms पे काम करता है। ये वेंटिलेशन भी यहाँ पे पीछे दे रखे हैं, और ये यहाँ पे ग्रिल लगा रखी है, बाई चांस कोई गर्दा वर्दा या फिर कोई भी नॉर्मल सी चीज़ जो होती है वो यहाँ पे ना जाए, जैसे कि आप कैबिनेट में लगाते तो हल्की फुल्की छोटी छोटी सी जो वुड्स होती हैं, लकड़ी होती हैं, वो घुस जाती हैं, तो ये चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है। चलते हैं यहाँ पे, मैं आपको कुछ और डिटेल्स के बारे में बता दूं। सो यहाँ तक मैंने आपको कुछ सारी की सारी डिटेल्स दिखाने की कोशिश करी, आप बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पे ये जो मॉडल नंबर है आपको पता ही है, ये PD1850 है, यानी न्यूट्रॉन प्लस का। यहीं अगर हम बात करें इसकी RMS पावर की, तो यहाँ पे ये 1500 वाट इसकी RMS पावर है। वॉइस कॉल यहाँ पे 5 इंची की यूज़ करी गई है, तो एग्जैक्टली जो पावर निकली गई वो आपको 1500 वाट ही देखने को मिलेगी। यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी 40 से लेके 2000 हर्ट्ज तक की, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। सेंसिटिविटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 96 dB यानी डेसिबल देखने को मिल जाता है। यहीं अगर मैं बात करूँ इसकी मैग्नेट की साइज़ की, तो 280x140x28 रखी गई है, तो काफ़ी बड़ी मैग्नेट है। यहाँ पे अभी आपको वीडियो में एग्जैक्टली चीज़ नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब इसे फेस टू फेस देखेंगे, यानी हैंड टू हैंड देखेंगे, तब आपको पता लगेगा ये स्पीकर कितना हैवी हमें देखने को मिल जाता है। चलते हैं अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग देखते हैं, तो यहाँ पे इंडोर आउटडोर टेस्टिंग दोनों में आपको दिखाने वाला हूँ, और साथ के साथ यहाँ पे फेसबुक पे भी टेस्टिंग आने वाली है, बिकॉज यहाँ पे जो यूट्यूब पे टेस्टिंग डालता हूँ वो मैं डालता हूँ, यहाँ पे जो ट्रेंड्स होते हैं उसकी डाल पाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट इशू का इशू रहता है, इसलिए यहाँ पे हिंदी सॉन्ग की जो टेस्टिंग होती है वो हमारे फेसबुक पेज पे आती है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं।
चलते हैं टेस्टिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे टेस्टिंग देते हैं हमारे स्पीकर की, और ये हमारा स्पीकर लगा हुआ है यहाँ पे, मैं फिट कर चुका हूँ अपनी कैबिनेट में, यानी सिंगल की कैबिनेट पे, और ऊपर मैं हल्की सी मिट के लिए मैंने स्पीकर डाला हुआ है। तो यहाँ से हम गाना प्ले करते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग, मुझे उम्मीद है पसंद ही आई होगी। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा इस स्पीकर ने, यानी इसकी जो क्वालिटी थी, और मैंने जब हल्का मतलब मॉनिटर को बिल्कुल मैं हल्का हल्का चला रहा था, बिकॉज आपके रीज़न ये रहता है कि भाई तूने मॉनिटर से बेस लगा दिया, इसलिए मैंने छोटा मॉनिटर लगाया और बिल्कुल हल्की सी आवाज़ रखी थी, और इसको ही मैं चलने दे रहा था बिल्कुल, मतलब आपको तब पता लगता कि हाँ कौन सी टोन कहाँ आ रही है, इसलिए मैंने हल्का सा मॉनिटर लगा दिया था। बाकी परफॉर्मेंस इसने काफ़ी काफ़ी ज़ोरदार दिया, और जो मेरे पास 1500 वाट का इसके अंदर जो कैबिनेट थी उसके अंदर ऑलरेडी जो डाला हुआ था उससे अच्छा इसने परफॉर्मेंस करा, और ये चीज़ मेरे जो साथ के दोस्त थे उनको भी मानना पड़ा। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इस स्पीकर में, और वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। यहीं अगर हम बात करें इसकी जो प्राइस क्या रहेगी, तो दोस्तों जो इसकी प्राइस जो रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 11,200 रुपये। तो ये जो प्राइस है वो एग्जैक्टली जो प्राइस रहेगी 11,200 रुपये। अब बात करती है यहाँ पे इसको कैसे परचेज करें, तो परचेज करने के लिए मैंने नीचे फ़ोन नंबर दे रखा है, यहाँ पे कंपनी का फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप रिटेल होलसेल दोनों परचेज कर सकते हैं, साथ के साथ मुझसे भी परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको डीलरशिप लेनी हो न्यूट्रॉन प्लस साथ के साथ रियल ऑडियो की, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए भी नीचे इंतजाम कर रखा है, यानी मेल आईडी दे रखी है। तो दोनों तीनों काम आप कर सकते हैं, जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए,
ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, साथ के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ पे मैं सारी प्रोडक्ट्स की प्राइस बताता हूँ। बेसिक मैं फ़ोन पे ना बताऊँ, व्हाट्सअप पे ना बताऊँ, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स की प्राइस बताता हूँ, तो वहाँ पे आप आ सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ फ्री गिवअवेज भी चलते रहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पे आके मिल सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने नीचे दे रखा है। बाकी ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मैं आता हूँ अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।